जैसे जैसे युद्ध के दिन बीत रहे हैं, यूक्रेन के शहरों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूसी सेना का काफिला राजधानी कीव के नजदीक पहुंच रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कल वीडियो जारी करके बताया कि वो कीव में ही है, लेकिन बमबारी के खौफ की वजह से आम लोगों का पलायन जारी है। क्या है ग्राउंड जीरो पर हालात, देखिए कीव संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। युद्ध का आज 14वां दिन है और दोनों सेनाओं के बीच घमासान जारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में मौजूद है और बमबारी के बीच से आपको पल पल की खबर दे रही है। ये है यूक्रेन की राजधानी कीव। इस शहर के बाहर जहां रूसी सेना घेराबंदी कर रही है, तो अंदर यूक्रेनी सेना मोर्चा संभाले हुए है। समय के साथ इन शहरों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। धमाकों की आवाज लगातार तेज हो रही है। तमाम जो सबर्बन एरियाज हैं, जो कि कीव के बाहर के इलाके हैं, उन तमाम इलाकों के अंदर रूसी सेना की बमबारी और गोलाबारी लगातार बढ़ चुकी है और साथ ही बचाव की कोशिशें भी इस समय तेजी से चल रही हैं। कीव से बाहर की तरफ जाने वाले रास्तों पर इस तरीके से यूक्रेनी झंडे के साथ फौजी गाड़ियां और टैंक इस समय दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कीव की तरफ दबाव बढ़ता जा रहा है और कीव की तरफ हमले की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। राजधानी कीव की 80% आबादी शहर से बाहर जा चुकी है। ये पलायन लगातार जारी है। यूक्रेन में इस समय बर्फबारी हो रही है। तापमान -3 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आमतौर पर इस समय बाजार में काफी रौनक होती है, लेकिन शहर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर के मॉल बाजार सब सुनसान पड़े हैं। जरूरी सामान और दवाओं के स्टोर की इक्का दुक्का दुकानें भर खुली हैं। हलचल है तो सिर्फ यूक्रेनी सेना की। ये यूक्रेन का एक बहुत बड़ा चेन है, एपिसेंटर। उस एपिसेंटर के इस पूरे इलाके में फिलहाल यहाँ डर का एपिसेंटर ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से खौफ ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी यहाँ नहीं है। महज सुरक्षा बल के कुछ लोगों के सामान की आपूर्ति के लिए इस स्टोर में कुछ जगह पर या प्रोविजन दी गई है। साथ ही इसके बेसमेंट को खुला रखा गया है कि अगर इस तरफ कोई दबाव बढ़ता है या लोग कुछ बचाव के लिए आना चाहते हैं, तो वो इस बेस के बेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा ये पूरा इलाका फिलहाल सुनसान है, वीरान है। कई शहरों के अंदर इस तरीके की स्थिति हो चुकी है कि यूक्रेन के करीब 12-15 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं। मॉल बाजार जैसे जगहों के बेसमेंट को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जान बचाने के लिए एक मॉल के बेसमेंट की ओर जा रहे हैं। सन्नाटे और खौफ के बीच सेना राजधानी को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। यूक्रेन की सेना तैयारियों में लगी है। यूक्रेनी सेना के टैंक सड़क पर गश्त कर रहे हैं। रूसी सेना को रोकने के लिए सड़कों पर जगह जगह सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं। साथ ही सड़कों के किनारे पेट्रोल बम बनाने का सामान रखा है, ताकि रूसी सेना को जवाब दिया जा सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।